वहीं दुर्ग जिला पंचायत सभागार में हुई सामान्य सभा की बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष व सीईओ ने विभागवार चर्चा कर रुके हुए कार्यों को जल्द पूरा कराने निर्देशित किया। वहीं चर्चा में धान खरीदी को लेकर बताया कि किसानों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। दुर्ग जिला पंचायत की सभागार में सामान्य सभा की बैठक की गई। इसमें जिला पंचायत की अध्यक्षा शालिनी देवेंद्र यादव व जिला पंचायत की सीईओ अश्वनी देवांगन की उपस्थिति में सभी विभाग के अधिकारियों व सदस्यों से चर्चा की गई। इस अवसर पर बैठक में धान खरीदी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। हम बता दें कि योजना मुख्यमंत्री की महती योजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 15 अगस्त को की थी। इसके अलावा धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पहुंचाया जाने को लेकर जानकारियां भी ली गई और इस दिशा में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। साथ ही चर्चा में जिला पंचायत की अध्यक्षा शालिनी देवेंद्र यादव ने बताया कि धान खरीदी को लेकर किसानों को काफी खुशी मिली है। उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया है। साथ ही इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्षा ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज जिला पंचायत के ऐसे महत्वपूर्ण 2-3 विषय जरूरी था। एक तो शिक्षा को लेकर था, साथ ही जो धान खरीदी भी है उसके लिए हमारे सदन में हमारे मुख्यमंत्री जी को यहाँ धन्यवाद प्रेषित किए हैं कि हमारे किसानों को बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है। एक तो 1 नवंबर से धान खरीदी, साथ ही टोकन तुहर हाथ ये भी चालू हुआ है। हाँ, कुछ बात आ रही थी बारदाने के बारे में, उसके बारे में चर्चा हुई है। बाकी धान खरीदी में हमारा बहुत अच्छा चल रहा है करके सभी ने धन्यवाद प्रेषित किया हमारे मुख्यमंत्री कृषि मंत्री चौबे जी के और उनकी पूरी टीम को। इसमें साथ ही हमारे इस रीपा जो अभी हमारी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो गौठान के माध्यम से में बनना है, उसके लिए भी हमारी पूरी जानकारी बताया गया कि हमारे जिले में 12 रीपा बन रहा है, केंद्र 12 रीपा का। उसमें क्या क्या अपन कर सकते हैं काम, इसके बारे में बढ़िया सी जानकारी दी है। और ये आने वाले दिन में हम लोग महिलाओं के लिए, ऐसे भी हमारी महिलाओं के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन रीपा के आने के बाद से हमारी और बहुत सारी बहनें उसमें जुड़ के बहुत अच्छा अपना काम कर सकती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।